खबर आजकल मैं आप सभी के साथ श्वेता झा। खबर आजकल की न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। इस न्यूज के प्रायोजक है प्रसाद जी बाजार। अब अपनी दुकान करें ऑनलाइन बस एक क्लिक में। विदेशी पर्यटक की सामान चोरी होने के मामले में दो व्यक्तियों की हुई गिरफ्तारी। उक्त आरोपियों के पास से चोरी का सामान भी किया गया बरामद। विदेशी पर्यटक के सामान के चोरी होने के मामले में दो व्यक्तियों की हुई गिरफ्तारी। मिली जानकारी के अनुसार ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड निवासी रूबेन जॉनथन पिकल 11 नवंबर को दार्जिलिंग जाने के लिए एनजीपी स्टेशन पर अब संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में सवार हुए थे, जहां से उनका कीमती कैमरा, पासपोर्ट, टैब और बैग में रखे कुछ पैसे चोरी हो गए, जिसके बाद उन्होंने तुरंत एनजीपी जीआरपी में इसकी लिखित शिकायत दर्ज कराई। उसके कुछ ही देर बाद भक्तिनगर थाने की पुलिस ने उनका खोया हुआ पासपोर्ट बरामद कर उन्हें सौंप दिया। उधर पुलिस इस मामले की जांच में जुटी रही और बीते दिन सिलीगुड़ी के खालपाड़ा से इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान पालाकाटा निवासी दीपक बर्मन और मालदा के निवासी शांतनु कर के रूप में हुई है। उक्त आरोपियों के पास से चोरी का सारा सामान भी बरामद कर लिया गया। इस संबंध में एनजीपी जीआरपी आईसी अनुपम मजुमदार ने बताया कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति चोरी के कई वारदातों में शामिल है। जीआरपी ने इसकी जांच कर रही है कि इस मामले में उनके साथ और कौन कौन शामिल है। मुर्शिदाबाद में तृणमूल नेता के ऊपर बम और गोलियों से किया गया हमला, इलाज के दौरान हुई मृत्यु। मुर्शिदाबाद में तृणमूल नेता के ऊपर बम और गोलियों से किया गया हमला, इलाज के दौरान हुई मौत। मुर्शिदाबाद के शिवनगर टिया काटा में नदिया जिले के नारायणपुर स्थित 2 नंबर ग्राम पंचायत के तृणमूल ब्लॉक प्रेसिडेंट मोतीलाल सिंह के ऊपर गोली और बम से हमला करने का मामला सामने आया है। इस हमले के बाद उन्हें आनंद फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया गया है कि मोतीलाल सिंह इस हमले में पूरी तरीके से घायल हो गए थे, जिसके बाद इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार इलाके में तृणमूल के दो गुटों में हिंसक झड़प के बाद यह घटना घट गई। इस घटना की खबर पाकर भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचे। इस घटना से पूरे इलाके में तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई। मोतीलाल सिंह की पत्नी नदिया जिले के नारायणपुर 2 नंबर ग्राम पंचायत के प्रधान बताई जा रही है। आखिर किस वजह से उन पर यह हमला किया गया, जिनमें उनकी मौत हो गई, यह पूरा मामला जांच के अधीन है। पुलिस प्रशासन इस पूरे घटनाक्रम की जांच में जुटी हुई है। মোহাম্মদপুরে জালাবিন আছে, সেখানে পড়াশোনা করে, সেখানে আলামিন মিশনে পড়াশোনা করে। নারায়ণপুর যে রাজকুমার আছে, সেই রাজকুমারের সাথে নওদা ব্লক সভাপতি হাবিবের সম্পর্ক দীর্ঘদিন ধরেই নদিয়া পুলিশ জানে যে হাবিব নদিয়ার ক্রিমিনাল দেখে জায়গা দেয়। उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय की जमीन एक निजी कंपनी को सौंपने के खिलाफ किया गया विरोध प्रदर्शन, जिसे लेकर एमडीओ के परिसर में दिखा तनाव का माहौल। उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय की जमीन एक निजी कंपनी को सौंपने के खिलाफ किया गया विरोध प्रदर्शन। उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय की जमीन एक निजी कंपनी को सौंपने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान विश्वविद्यालय परिसर में व्यापक तनाव का माहौल देखा गया। आपको बता दें कि होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के लिए उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय की जमीन एक निजी कंपनी को सौंपने को लेकर कई दिनों से आंदोलन चल रहा है। आज उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय बचाओ मंच की ओर से विश्वविद्यालय में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। इस विरोध प्रदर्शन में विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और विद्यार्थी शामिल हुए। आपको बता दें कि आज जमीन हस्तांतरण के विरोध में आंदोलनकारियों द्वारा विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर ओम प्रकाश मिश्रा से मुलाकात करने की बात थी, लेकिन वहां पर सुरक्षा गार्ड तैनात किए गए थे और सुबह से ही बैरिकेड्स लगाए गए थे, जिस वजह से वाइस चांसलर से मिलने से पहले उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय में तनाव का माहौल देखा गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों द्वारा प्रशासनिक भवन का गेट तोड़ने का भी प्रयास किया गया। बाद में आंदोलनकारियों ने प्रशासनिक भवन के सामने विरोध प्रदर्शन किया। बागडोगरा में फिर घटी चोरी की वारदात, चोर भगवान की मूर्तियां भी ले हुआ फरार। बागडोगरा में एक बार फिर से घटी चोरी की घटना, चोर भगवान की मूर्ति लेकर हुई फरार। बागडोगरा ग्राम पंचायत और बागडोगरा थाना अंतर्गत पड़ने वाले क्षेत्र में एक बार फिर से चोर ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। बताया गया है कि जब मंदिर के पुजारी मंदिर में गए तो उन्होंने देखा कि मंदिर का ताला टूटा हुआ है और अंदर से भगवान की मूर्ति भी गायब है, और साथ ही मंदिर के पूजा में इस्तेमाल होने वाले सभी बर्तन और घंटियां भी गायब है। जब उन्होंने पूरी तरीके से छानबीन की तो उन्हें पता चला कि मंदिर में बहुत बड़ी चोरी की घटना घटी गई है।
जब उन्होंने पूरी तरीके से मंदिर की छानबीन की तो उन्हें पता चला कि मंदिर में बहुत बड़ी चोरी की वारदात घटी है। लगभग 18 केजी के पीतल के बर्तन चोरी हो गए और साथ ही कुछ बाइक भी चोरी होने की बात कही गई है। बताया जा रहा है कि क्षेत्र में आए दिन छोटी मोटी चोरी की घटना घटती ही रहती है, लेकिन आज इतनी बड़ी चोरी हो गई इसका पता उन्हें नहीं चल पाया। परंतु आज सुबह जब वो मंदिर में गए तो उन्होंने देखा कि मंदिर का ताला टूटा हुआ है और मंदिर में चोरी होने की जानकारी मिलते ही उन्होंने तुरंत इस बात की सूचना बागटोगरा थाने की पुलिस को दी। घटना की खबर पाकर बागटोगरा थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई। पुलिस सूत्रों के अनुसार पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज की जांच की तो उसमें चोरी का समय रात के लगभग 12 बजे बताया जा रहा है। इस समय एक पतला काया का युवक मंदिर के आसपास घूमता नजर आया। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस युवक ने ही चोरी की होगी। पूरी जानकारी के लिए बागटोगरा थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर इस मामले की छानबीन कर रही है। उम्मीद है कि जल्द ही इस मंदिर में चोरी हुए सारा सामान बरामद कर लिया जाए। आपको बता दें कि बीते कुछ दिन पहले ही बागटोगरा के भुट्टाबाड़ी के आसपास के क्षेत्र में एक साथ लगभग 10 मंदिरों में चोरी हुई थी, जिसके सामान की बरामदगी पुलिस ने तो कर ली थी, परंतु यह घटना एक बार फिर से अपर बागटोगरा थाने की पुलिस के लिए एक चैलेंज बनकर सामने आया है। फांसीदेवा में ससुराल से बरामद किया गया दामाद का फंदे से लटकता शव, इलाके में फैली सनसनी। ससुराल से दामाद का शव बरामद होने से इलाके में फैली सनसनी। एक ससुराल से दामाद का फंदे से लटकता हुआ शव बरामद किया गया है। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। यह घटना फांसीदेवा ब्लॉक अंतर्गत विधान नगर स्थित बिजली मनी चाय बगान के पाकल लाइन इलाके की है। मृत व्यक्ति की पहचान अनिल कुजूर के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि अनिल कुजूर अपने ससुराल में ही रहता था। जानकारी के अनुसार आज सुबह जब उसके परिजनों ने घर के अंदर दामाद का फंदे से लटकता शव देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गए, जिसके बाद उन्होंने तुरंत इस बात की सूचना पुलिस प्रशासन को दी। घटना की खबर मिलते ही विधान नगर जांच केंद्र की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल भेज दिया। पारिवारिक सूत्रों के अनुसार मृत व्यक्ति मानसिक रूप से ग्रसित था, हालांकि अभी तक उसकी मृत्यु का वजह स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। अभी तक आप देख रहे थे खबर आजकल। आगे की और जानकारी के लिए देखते रहें खबर आजकल और बने रहें खबर आजकल पर। धन्यवाद।